देखिए जो पिछली स्लाइड, हेलो नमस्कार, देखिए जो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जी। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपका रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन है, प्रमोटर जीन के बाद रेगुलेटर जीन, उसके बाद फिर से प्रमोटर जीन, उसके बाद जेड वाई और ए स्ट्रक्चरल जीन। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर दो प्रमोटर जीन, अरे बेटा ये प्रमोटर जीन इनके लिए इन तीनों के लिए और ये प्रमोटर जीन इसके लिए, तो इसका तो लगातार 24 घंटे एक्सप्रेशन चल ही रहा है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनी रही है जो जाके किससे अटैच हो रही है, जो जाके अटैच हो रही है, यहाँ पे एक ऑपरेटर और बना लीजिए बीच में जो ऑपरेटर साइड से अटैच हो रही है। तो रेगुलेटर, रेगुलेटर जो बना रहा है रेगुलेटर प्रोटीन को, प्रमोटर वो साइड जहाँ से आके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, ऑपरेटर वो साइड जहाँ पे आके रेगुलेटर प्रोटीन अटैच होगी। तो यहाँ पे पूछा है अगर प्रमोटर बीटा ग्लिकोसाइडेज वाला, अगर ये प्रमोटर काम कर रहा है तो किस जीन के लिए काम नहीं कर पाएगा, ये रेगुलेटर जीन का प्रमोटर नहीं है, रेगुलेटर जीन के लिए काम नहीं कर पाएगा। लैक आई इज द आंसर। ओके, थैंक यू।